अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। परिषद में थी आपकी भी स्वीकृति, उसमें उस समय आपके विचार व्यक्त करना था। ये 2023 और 2024 का है, ये इस पे पूर्व परिषद में चर्चा हो चुकी है, आप देखिए एक बार। ये समय आप भी थे उसमें, 2024 और 2023 में जिसका आप कह रहे ना जल वाला, उसका भी कह रहा हूँ, उसमें आप भी थे परिषद। इसके लिए आपको विशेष रूप से चिंता पालना पड़ेगा। सभापति जी, उसका पूरा समय मतलब ड्यूटी समय है उसका, सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। प्रावधान अपने बजट शीट में ऐसा है ही नहीं क्या, अपन शहर के क्षेत्र के अंदर रख सके, ऐसा है ही नहीं, मतलब हो सकता है कि नहीं इस तरह का, मेरा ये निवेदन था खाली। माननीय सभापति जी, इसमें आज के बाद इस प्रकार की पुनरावृत्ति हुई तो आपको एफआईआर कराएंगे, आपको परसों का ताजा घटना का अवगत करा रहा हूँ। धन्यवाद महापौर जी। कॉपी हमें 15 से 4 दिन पहले मिलनी चाहिए थी, जो हमें कल प्राप्त हुई है ये, तो हम इसको पढ़ के जो भी हमें शहर के हित, निगम के हित के लिए हमें जो सुझाव, हम सभी पार्षदों को सुझाव रखना था तो हम रख पाते, ये काफी हमें कल प्राप्त हुई है। अगर ये हमें 10 से 15 दिन पहले मिल जाती तो हम ये सब पढ़ लेते, इसमें 76 पेज है तो हम सब हित के लिए अपने सुझाव रख सकते थे। बजट मेरा व्यक्तिगत सुझाव था कि जो जन भागीदारी से पहले हम पूर्व में कामों को करवाते थे और वो परंपरा हमने काफ़ी समय से बंद कर दी है, क्योंकि हमारी आय एक निश्चित है, इसलिए जन भागीदारी से कुछ कामों को प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है इस बजट से हटके, और जो हमने अवैध कार्रवाई के खुलेगा तो अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 10 मिनट का समय बोलते हो गया फोन रोड पर नाली का पानी आता है, दरोगा का ट्रांसफर का बोला, नाली निर्माण का 1 दिन कार्य किया और रुपया दिया गया, आज तक कोई कार्य नहीं हुआ, रोड के कार्य जो है वो निलंबित पड़े सारे, तो वो सब सारे के सारे ठप पड़े हैं, वो हमें वार्ड के जनता वो कहते हैं हमसे जो आप बोलना चाह रहे हो, कहते हैं हमसे कि हमें नींद देना आए, हमें चैन देना आए, सफाई व्यवस्था के बिगड़ते हुए रात रात भर मच्छर बच्चों को बड़ों को और बूढ़ों को खाए, हमें नींद ना आए, हमें चैन ना आए, कोई सभापति महोदय को अवगत कराए, कोई महापौर महोदय को अवगत कराए। बैठ जाइए बोल लिया ना आपने, अच्छा गायक है आप, बैठ जाइए। मेरी बात सुनिए, सिर्फ गायक से नहीं होता है, और मेरी समस्या का निवारण का वो, तो आप समस्या के बात करो ना, दरोगा के ट्रांसफर की बात हुई है, दरोगा ट्रांसफर को 5% तो आपको बैठने का बोला गया, आपको बैठने का बोला गया, आप बैठ जाइए, तो हमारी समस्या नहीं सुनिए, आपकी समस्या सुनेंगे आप, पहले बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं आपकी व्यवस्था के लिए बोलता हूँ, आप बैठ जाइए, पहले बैठिए, स्थान धारण करिए शांति से। स्वास्थ्य अधिकारी जी जितेश जी, इनकी जो भी समस्या है, नाली सड़क जो भी, एक बार इनके जाके और इन्हें इनके साथ एक बार निरीक्षण कर लें और इनके वार्ड में जो भी उसको तत्काल करवाने के लिए, ठीक है। नवरात्रि के पवन पर्व पर निकलने वाली माता जी विसर्जन चल समारोह के अंतर्गत चल झांकियों के लिए एवं उनके स्वागत के लिए 2 लाख रुपए की राशि रखी गई, जन प्रतिनिधियों के लिए राशि शामिल है। पूंजीगत व्यय प्रस्तावित बजट अनुसार पूंजीगत व्यय 575 करोड़ 1 लाख मात्र रखी गई है, जिसके अंतर्गत चल अचल अस्थियां, केंद्र शासन, राज्य शासन, शासन से विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनुदान के आधार पर जिसके अंतर्गत निगम का स्थापना, प्रशासनिक व्यय की राशि शामिल है। शहर की सामाजिक गतिविधियों के लिए कुछ मुख्य बिंदु रखे गए हैं अध्यक्ष जी, जो इस वर्ष इस बजट में नगर निगम परिषद द्वारा हिंदू नववर्ष की ये राशि, नारी जो महिला दिवस के रोज इसमें नारी बढ़ाई है, नारी शक्ति के लिए 5 लाख मात्र का प्रदान रखा जाता है। प्रीति भवन खिलाड़ियों के लिए व छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह के लिए 5 लाख की राशि रखी गई है। देवास की गई शहर की विभिन्न गौशालाओं में विकास कार्य हेतु प्रस्तावित राशि 1 करोड़ का प्रदान किया गया है। गौशाला के रखरखाव के लिए राशि वो नाम ये इस तरह से ना रखा जाए। तीसरा अतिक्रमण की आपने बात कही है, तो बालगढ़ की बात आपकी सही है, और दूसरा आपकी ये बात भी सही है कि स्पोर्ट्स पार्क के आसपास भी सारी बहुत सारी घूमतियाँ बढ़ गई है, तो ये आकारवाही कल से आपकी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे प्रभावी कार्य आपको दिखेगी। साहब ये अस्थायी भी हो, स्थायी रूप से उनका अतिक्रमण है, और देख रहे हैं कि चिकन मटन की दुकानों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से कहीं ना कहीं दुकानों के नाम रखे जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं हिंदू समाज आहत होता है। मेरा नगर निगम से निवेदन है
कि जो भी आयुक्त तो महोदय से निवेदन है, महापौर जी से निवेदन है, जो भी हमारी देवी देवताओं के नाम से मांस मदिरा या दारू की दुकान रखी गई उस पर सख्त पर सख्त कार्रवाई हो। हेलो, इसके लिए आपको विशेष रूप से चिंता पालना पड़ेगा। सभापति जी उसका पूरा समय मतलब ड्यूटी समय है उसका, सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक। सुझाव है सबसे कि आवारा पशु जानवर जो रोड पर रहते हैं, जैसे मेरे सभी क्षेत्रों में एक्सीडेंट होने का कारण बनते हैं, जिससे कई राहगीर इतने परेशान है, मतलब गाड़ी के पीछे कुत्ते दौड़ते हैं, मतलब अधिकारी लोगों को बोलते हैं गायों को जो दूध निकाल लेते हैं घर पे तो गायों को छोड़ देते हैं, तो इसका भी एक अपना नियम बनाया जाए जिससे कि राहगीर लोगों को परेशानी ना हो। और देख रहे हैं कि चिकन मटन की दुकानों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से कहीं ना कहीं दुकानों के नाम रखे जाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं हिंदू समाज आहत होता है। मेरा नगर निगम से निवेदन है कि जो भी आयुक्त तो महोदय से निवेदन है, महापौर जी से निवेदन है, जो भी हमारी देवी देवताओं के नाम से मांस मदिरा या दारू की दुकान रखी गई उस पर सख्त पर सख्त कार्रवाई हो। हेलो, आज मुख्यतः बजट के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी जो कि लगभग लगभग 2-4 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। बजट करना जरूरी था, बजट कभी नहीं होता तो नगर निगम को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता, इसलिए आज बजट की बैठक आहूत की गई थी। मांस मटन की दुकान को लेकर विगत कई परिषदों में बातें आई थी, लेकिन मैंने आज बोला है सभी अधिकारी को कि आज अभी से इसका मटन की दुकान जितनी भी अवैध है उसके तत्काल रूप से बंद कराई जाए। शमशान के लिए मैंने विशेष रूप से बोला है, तीनों शमशान चारों शमशान के लिए कि वहाँ पर जो गंदगी है और स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी उसकी व्यवस्था को तत्काल रूप से देखा जाए। यहाँ पे देखा गया कि जो परेशानी हुई चलते गाना गा रहे हैं, यहाँ पे गाना गा के बता रहे क्या कि गाना गाना से कोई समस्या हल नहीं होती है। मान लो कोई समस्या है तो नगर निगम में आए, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर अपना अधिकारी चर्चा करें और अधिकारी को विजिट ले जाके काम करें। ये लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं और परिषद में इस प्रकार के फिर गाना गाते हैं सिर्फ एक अपने पब्लिक सिटी पाने के लिए। महिला परिषद के बार बार कहती थी कि पहली परिषद चौथी परिषद होगी, आज भी कर्मचारी और सफाई को लेकर परेशान है। सफाई के लिए निरंतर नगर निगम प्रयासरत रहती है और सब अधिकारी प्रयासरत रहते हैं कि कहीं ना कहीं देवास अच्छे से सफाई और सभी वार्डों में स्वच्छता संबंधी कार्य किया जाए। इसके लिए विशेष मैंने आज कमिश्नर साहब को बोला है कि एक दल बनाकर जितने भी इस प्रकार के जो आवारा कुत्ते हैं जो शहर के अंदर कहीं ना कहीं दिन रात परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, तो उसके लिए भी तत्काल एक समिति बना के निर्णय, जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए एक निर्णय ठोस प्राप्त करें। विशेष बजट सत्र का जो समय था आगामी विकास कार्यों को लेकर किस तरह से योजना बजट नगर निगम का वास्तव में इस बार 3-4 बहुत नवाचार हुए हैं, जैसे कि एक नगर निगम के ऊपर एक छत पर एक जिम जो ओपन जिम का जिम रहेगा जो युवाओं के लिए एक बड़ी अच्छा एक नगर निगम ने पहल करी है, और हिंदू नववर्ष के लिए एक नगर निगम ने एक प्रयास करा है कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखेंगे, उसके लिए भी एक उनने मत रखा है, और प्रतिभाशाली जो शहर के प्रतिभाशाली उसका भी नगर निगम अब सम्मान करेगी और साथ में नारी शक्तियों का भी सम्मान करेगी। इस प्रकार के नवाचार नगर निगम ने इस बार बजट में देने का प्रयास करा है, और जो हमारे देवास का ऐतिहासिक गौरवशाली जो विसर्जन माता का विसर्जन जल समारोह उसका भी निगम कहीं ना कहीं इस बार से मंच लगाकर भव्य रूप से स्वागत सत्कार करेगी। नगर निगम हम मथुरा जब देखने गए थे तो वास्तव में वहाँ पे जो नवाचार हमने देखा QR कोड, वहाँ पे जो हमने वहाँ नगर निगम कमिश्नर और महापौर ने हमें एक कार्यशाला आयोजित की थी, उस कार्यशाला में हमें एक QR कोड स्वच्छता संबंधी उन्होंने बताया कि जब पूरे शहर के अंदर मथुरा में कोई गाड़ी निकलती है कचरा गाड़ी या कचरा लेने के लिए तो किसी घर के सामने से निकलती है और किसी घर वाले ने उसको कचरा नहीं दिया है तो उसका QR कोड अपने आप उसमें मालूम पड़ जाएगा इस घर से कचरा नहीं गया और या लिया है या दिया है दोनों में, तो संबंधित जो व्यक्ति मान लो कचरा गाड़ी वाला नहीं जाता तो उसे शिकायत डायरेक्ट वो किसी को न करता उस QR कोड पे ऐप के माध्यम से कर देगा तो कचरा गाड़ी तत्काल पहुंचेगी। उसी प्रकार सफाई कर्मियों के लिए भी QR कोड का एक वहां पे बहुत अच्छा नवाचार है, तो कहीं ना कहीं वो जो और देवास में अपन उस प्रकार का QR कोड वाला जो उन्होंने ऐप बनाया है वो देवास नगर निगम भी जल्द उस पर कार्य करेगी।